हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो जैसे इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं लॉ के रिलेटेड टॉपिक्स और एमबीए के रिलेटेड टॉपिक्स सो टुडे आई हैव ब्रॉड समथिंग डिफरेंट जो कि हम से ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि डिफरेंस बेसिकली क्या होता है लॉयर एडवोकेट सोलिसिटर बैरिस्टर्स और काफ़ी इसके रिलेटेड टर्म्स में तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे लेट्स मूव ऑन जो सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन है लीगल प्रैक्टिशनर्स की जो काफ़ी पहले से चली आ रही है वो ये है कि देयर कुड बी टू टाइप ऑफ एडवोकेट एक्ट्स एक था जो एडवोकेट एक्ट बना नाइनटीन का उसके पहले जो फॉलो किया जाता था प्री एडवोकेट्स एक्ट एंड द सेकेंड वन वॉज मॉडर्न डे क्लासीफिकेशन जो कि हम आज के दिन अपनी क्लासीफिकेशन ऑब्जर्व करते हैं तो पहले एडवोकेट एक्ट से पहले जो ब्रिटिश प्रैक्टिशनर्स थे उनके अकॉर्डिंगली ही जो रैंकिंग्स होती थी वो दी जाती थी या उनके अकॉर्डिंगली ही टर्म्स डिवाइस की गई थी जैसे उस टाइम पे पहले प्री इंडिपेंडेंस सॉलिसिटर्स बैरिस्टर्स एडवोकेट्स अटॉर्नीज ये टर्म्स यूज होती थी उसके बाद जब आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो इंडिया में प्रैक्टिशनर्स थे उनको डिफरेंट नेम से कॉल किया जाता था जैसे वकील्स हैं प्लीडर्स हैं मुखार्स हैं एंड आफ्टर एडवोकेट्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन वी हैव सम न्यू लाइक एडवोकेट्स तो है ही उसके साथ साथ सीनियर एडवोकेट्स हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स हैं तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाई वन ये डिफरेंट टर्म्स क्या हैं जो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है वो आता है कि लॉयर एडवोकेट और बैरिस्टर ये क्या रिलेटेड टर्म्स हैं या ये सिमिलर टर्म्स हैं या ये बिल्कुल ही सेम टर्म्स हैं सो लेट्स मूव ऑन इसी के साथ साथ बाकी टर्म्स भी हैं जैसे सीनियर एडवोकेट कौन होता है एडवोकेट जनरल कौन है सोलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ये कौन होते हैं महात्मा गांधी का नाम ध्यान में आते ही हमें ये रिकॉल करते हैं लॉ की डिग्री की थी और वो उसके बाद इंडिया वापस आए थे और यहाँ उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस भी की थी लेकिन महात्मा गांधी उस टाइम बैरिस्टर बन के आए थे ना कि लॉयर या वकील बन के आए थे अब इसके पीछे क्या रीजन है उसके पीछे ये रीजन है कि लॉयर और बैरिस्टर में डिफरेंस होता है अब वो क्या डिफरेंस होता है जो लॉयर होता है वो अगर हम इंडियन कंटेक्सट में बात करें तो एक जनरली हम उसको वकील कह देते हैं या हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो लॉयर इज़ अ पर्सन जो भी लॉ को पढ़ रहा है ही इज़ अ लॉयर या जिसने लॉ को पढ़ा है ही इज़ अ लॉयर चाहे उसने एल एल बी की है चाहे उसने उसके बाद एल एल एम कर ली लेकिन क्योंकि वो एक लॉ ग्रेजुएट है तो उसको हम लॉयर कहते हैं इट माइट भी सो कि वो लॉयर तो है लेकिन वो एडवोकेट नहीं है तो आगे हम डिस्कस करेंगे लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस भी होते हैं लेकिन बैरिस्टर कौन होता है जिस तरीके से लॉयर कोई भी पर्सन जो लॉ की डिग्री इंडिया में से ही किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कोर्स कंप्लीट करके करता है उसी तरीके से जो बैरिस्टर होता है वो कोई भी पर्सन है जो लॉ की डिग्री या लॉ ग्रेजुएट होता है इंग्लैंड से ऑन दी अदर हैंड एडवोकेट्स को हम हिंदी में अधिवक्ता भी बोलते हैं अधिवक्ता जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इनको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को बार एसोसिएशन हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है जिसका एक जुरिस्डिक्शन होता है एक एरिया होता है तो वहाँ की जो कोर्ट परमिसेज होती हैं वहाँ पे प्लीडिंग्स करने के लिए और अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वहाँ की बार एसोसिएशन में सिमिलरली जितनी भी बार एसोसिएशन एक स्टेट की हैं तो हर स्टेट लेवल पे बार काउंसिल होता है उस पर्टिकुलर स्टेट का बार काउंसिल लाइक बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन दी अदर हैंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे होता है दिल्ली में है जहाँ पे मतलब जितने भी स्टेट्स में जितने भी वकीलों की रजिस्ट्रेशन है एडवोकेट्स के रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ सबकी लिस्ट होती है कि ऑल ओवर इंडिया में कितने एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं किस किस बार काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन है और किस बार एसोसिएशन में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एडवोकेट्स को बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उनका रजिस्ट्रेशन होता है एनरोलमेंट उनका होता है वहाँ से कोई भी पर्सन है उसने लॉ की ग्रेजुएट की डिग्री ली है डिग्री लेने के बाद अगर वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है तो सबसे पहले उसको डिग्री लेने के बाद किसी एक पर्टिकुलर बार एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है जो कि उसकी फ़ीस होती है डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर बार एसोसिएशन की जैसे दिल्ली में हमारी कोर्ट्स हैं डिफरेंट कोर्ट्स हैं उनकी फ़ीस है इसी तरीके से वी कैन टॉक अबाउट अदर स्टेट्स ऑलसो एंड लाइकवाइज बार एसोसिएशन में भी उसका रजिस्ट्रेशन होगा फीस होगी और जैसे अगर दिल्ली की कोर्ट्स में करता है तो देन ही टू अप्लाई टू बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट तो यहाँ और अगर पंजाब एंड हरियाणा में तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट लाइक वाइज जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है उसकी जो काउंसिल होती है बार काउंसिल होती है एट हाई कोर्ट होती है उसमें वो अप्लाई करेगा फिर वहाँ से उसको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है आफ्टर चेकिंग ऑल द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स कि उसकी डिग्री कम्प्लीट है और बाकी जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनकी वेरीफ़िकेशन होने के बाद उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद वो दो साल तक तो किसी भी बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है वकालतनामे भी वो साइन कर सकता है लेकिन जब उसको एनरोलमेंट नंबर इशू किए हुए टू इयर्स के टाइम पीरियड के अंदर उसे ए का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है ए आई ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन ये जनरली साल में दो बार होता है ये इनकी एक प्रायर कंडीशन है तो जो एक एडवोकेट होता है उसको आफ्टर दी रिटर्न एग्जामिनेशन एम बेस्ड होता है ए का एग्ज़ाम जब वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तभी उसको एक लाइसेंस मिलता है एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है तो हम कह सकते हैं एडवोकेट्स के पास लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने का कोर्ट में और एडवोकेट्स का ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है ये इशू होता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इसका एक अप्रूवल आता है एंड लाइक वाइज वो तभी एलिजिबल हो पाता है एक एडवोकेट बनने के लिए तो जो मेजर डिफरेंसेस हैं लॉयर और एडवोकेट के लॉयर सिंपली कोई भी ग्रेजुएट पर्सन होता है लेकिन एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और ए का एग्जाम क्लियर करना होता है और जो लॉयर्स होते हैं अगर वो एडवोकेट नहीं है तो लीगल इश्यूज़ पे फिर भी वो किसी को लीगल एडवाइजेस दे सकते हैं जैसे हम लीगल फॉर्म्स देखते हैं ऑन दी अदर हैंड एडवोकेट्स लीगल एडवाइजर की तरह भी फंक्शन कर सकता है और वो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट कर सकता है लॉयर्स को भी अपनी सैलरीज मिलती है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं और एडवोकेट्स को अपनी फीस मिलती है तो एक लॉयर कोई भी अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली भी देखें तो जस्ट एक पर्सन होता है या सॉलिसिटर है या एक अटॉर्नी जिसने लॉ की प्रैक्टिस की है ऑन दी अदर हैंड एडवोकेट होता है बिहाफ पे अपने क्लाइंट के बिहाफ पे किसी भी केस को फाइट कर सकता है उसके लिए वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके देता है उसको क्लाइंट जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जनरली हम जिसको वकालतनामा भी बोलते हैं तो ये एडवोकेट का लोगो है अब एडवोकेट सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स ये रिलेटेड टर्म्स हैं एडवोकेट हमने कर लिया है सीनियर एडवोकेट होता है कोई भी डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जिसको अपॉइंट करती है जिसको डेजिग्नेशन देती है जनरली ये ट्वेंटी थर्टी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आने के बाद ही जो काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको ये डेजिगनेशन प्रोवाइड किया जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट्स उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकालतनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल कर सकते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है सिर्फ वही अपना वकालतनामा दे सकते हैं उसके बाद भले ही जितनी प्रोसीडिंग है वो कोई दूसरे एडवोकेट जिन्होंने उसके ऊपर साइन कर रखे हैं वो भी उसमें आर्ग्यू कर सकते हैं या एविडेंस दे सकते हैं हैं लेकिन जो फाइल करेंगे वो सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही फाइल करेंगे तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो ही वकालतनामा दे सकते हैं या कोई पटिशन वगैरह दे सकते हैं लेकिन केस फाइट कर सकता है कोई और पर्सन भी मतलब कोई और वकील भी केस फाइट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अदर देन दी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तो बेसिकली एक साइनिंग अथॉरिटी है एडवोकेट जनरल कौन होता है एक स्टेट अपॉइंट करती है एडवोकेट जनरल को और स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो ही अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को और उस स्टेट के रिलेटेड जितने भी केस हैं चाहे वहाँ पे ये एडवोकेट जनरल हैं रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट को और एक तरीके से हम कह सकते हैं ये लीगल एडवाइजर भी होते हैं स्टेट के कोई उनको एडवाइस देनी होती है गवर्नर भी इनकी एडवाइस ले सकते हैं इसलिए इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है ऑन दी अदर हैंड अटॉर्नी जनरल इनको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहते हैं कोई भी केस या कोई भी इस टाइप की प्लीडिंग्स होती हैं या कोई एसएलपी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया जाता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन का पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं और इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं देन सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं और वो उनको असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इनको भी हम गवर्नमेंट लीडर भी कह देते हैं तो जहाँ पे एक स्टेट है स्टेट में कोई भी क्राइम्स होते हैं ऐसे ऑफेंसेस लाइक क्रिमिनल में आ जाते हैं जिस तरीके के मर्डर्स हैं या रेप है या सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं चोरी है डकैती है इस टाइप के ऑफेंस जिससे कि पूरी सोसाइटी पे ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो यहाँ जो स्टेट बनता है वही कंप्लेनेंट होता है तो कोई किसी किसी भी टाइप का क्राइम हो गया किसी एक स्टेट में क्राइम हो गया उसके में क्राइम हो गया और जहाँ पे उस विक्टिम को जस्टिस दिलवाना है ऐसे सिचुएशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एक वकील वकील ही होते हैं वो वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं अपनी स्टेट का केस और वो वहां पे क्रिमिनल कोर्ट्स में जितनी प्रोसीडिंग्स है उनको डील करते हैं हर इलाका मजिस्ट्रेट की एक पर्टिकुलर इलाका दिया जाता है, उस का, तो वो उसमें उस छोटे उस से इलाके में जितने भी ऑफेंस होते हैं वो सारे उस इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और उस टाइप के जो भी ऑफेंस होते हैं उनकी प्लीडिंग्स करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर जैसे ही वो सेशन कोर्ट में जाते हैं तो देन दे बिकम पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो प्रोसिक्यूटर बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को एक्यूज के अगेंस्ट करते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट डिफाइन की गई है ट्वेंटी फोर सी आर पी सी अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ऑफ सी आर पी सी लेकिन जो गवर्नमेंट प्लीडर होता है गवर्नमेंट प्लीडर कौन होते हैं जो सरकारी वकील अपॉइंट किए गए हैं सिविल मामलों में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे अंडर सेक्शन टू सबसे में इसको इंक्लूड किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं सारे फंक्शंस जो कि सी पी गवर्न करती है जिन फंक्शंस को और वो प्लीडर कहलाते हैं गवर्नमेंट प्लीडर कहलाते हैं अगर वो सिविल केस देखते हैं तो ये कुछ यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि कुछ क्लरिफिकेशन हो जाए क्योंकि एग्जाम्स में कई बार शॉर्ट नोट्स में भी आ जाते हैं इवन एम सी भी आ सकते हैं आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस पे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए आपके टाइप के टॉपिक्स और चाहते हैं जो मैं डिस्कस करूं एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो थैंक यू